और जिससे लगाव यदि वो चला गया, ये वस्तु चली गई, वो जिंदगी चली गई, वो लड़की चली गई, वो लड़का चला गया, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब दिमाग एकदम से सोचता है ये शहर कौन सा है, एक जैसे कॉफ़ी शॉप, एक जैसे रेस्टोरेंट, एक जैसे सर्विसेज, ब्लिंकिट की, जोमेटो की, स्विगी की, हर जगह ऊबर, सब जगह यूरोपीकरण हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। मतलब वो कितनी कॉमन चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है जिसको मैंने अपने जीवन का एक बड़ा पहाड़ मान लिया था, नैरो माइंडेडनेस, कूप मंडूकता। और एक बार कूप मंडूकता आपके दिमाग में घर कर गई तो आपकी सोच छोटी हो गई। हर चीज़ के मामले में पैसा, पैसा, पैसे के मामले में छोटी सोच। पैसा क्या है, सोच है और क्या है, जिसने जितना बड़ा सोचा उसने किताब लिखी है ना, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। तो आज तारीख है 23 जुलाई 2024 और हम हैं जयपुर में। सो आई कीप ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, टू डिफरेंट सिटीज इन इंडिया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर्सपेक्टिव में बहुत शिफ्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, उसमें से कुछ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ समझ में आती है कि आप किसी शहर में, किसी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, उनके साथ आपका कन्फ्लिक्ट होता है, मोह भी होता है, प्यार भी होता है, एक दुश्मनी भी होती है। तो लेकिन आप उनसे आप रेगुलरली मिलते रहते हैं, उन्हीं सड़क पर, उन्हीं मकानों में, उन्हीं बिल्डिंग में, उन्हीं दीवारों पर, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द वर्ल्ड, यही हमारी दुनिया है। और वो समस्याएँ जीवन की बहुत बड़ी समस्याएँ, और वो जो लगाव है जीवन का बहुत बड़ा लगाव, वो समस्या दूर नहीं होगी तो मुझे मरना पड़ेगा, और जिससे लगाव है यदि वो चला गया, ये वस्तु चली गई, वो ज़िंदगी चली गई, वो लड़की चली गई, वो लड़का चला गया, तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो जो मोह है और वो जो कन्फ्लिक्ट है, जयपुर से सूरत जा रहे हैं तो सूरत जैसे से करीब आ रहा है, जयपुर का वो सारा का सारा मेंटल पैटर्न वो सब छूटता जा रहा है, वो इंसान जिसकी शक्ल से भी नफरत थी वो कल बनता चला जा रहा है, वो हिस्ट्री बनते चला जा रहा है। ऐसा सैकड़ों बार हुआ है पिछले 8 सालों में। पूना में गया, एक आदमी से बहुत दिक्कत थी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ 2 दिन बाद तो मुझे मुंबई जाना है, ये आदमी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मेरी रियलिटी में। ऐसे मुंबई गया, मुंबई में भी एक आदमी से प्रॉब्लम हो गई, फिर वो पीछे चला गया, फिर सूरत वाला पीछे चला गया। तो ज़िंदगी इतनी स्पीड से पीछे जा रही है कि किसी बुरी चीज़ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं, और अच्छी चीज़ों के बारे में तो जितना सोचो उतना कम है। सेकेंड थिंग हमें ये रियलाइज़ होती है, ऐसा तो हर शहर में होता है, मॉल में आ गए हम, कॉफ़ी शॉप में आके बैठ गए, अब दिमाग एकदम से सोचता है ये शहर कौन सा है, ये जयपुर में है कि भोपाल में है कि कलकत्ता में है कि उड़ीसा में, भुवनेश्वर में है कि हिमाचल में हूँ कि बेंगलोर में हूँ कि सूरत में हूँ। क्यों? क्योंकि हर शहर एक जैसा। आई लव थाने, आई लव मुंबई, आई लव अजमेर, जगह जगह चौराहों पर लगा दिए आई लव कोलकाता, आई लव चंडीगढ़। ये कौन मना रहा है? ये सब रॉसचाइल्ड कर रहा है। रॉसचाइल्ड पूरा यूरोपीकरण कर रहा है पूरे भारत के, ये मुख्य मुख्य सो कॉल्ड स्मार्ट सिटीज़ का, ये नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, सबको एक जैसा कर रहा है, सबको एक जैसा, सब जगह एक जैसे होटल, एक जैसी सड़कें, एक जैसे फ्लाईओवर, एक जैसी बिल्डिंग्स, एक जैसे कॉफ़ी शॉप, एक जैसे रेस्टोरेंट, एक जैसे सर्विसेज, ब्लिंकिट की, जोमेटो की, स्विगी की, हर जगह ऊबर, सब जगह यूरोपीकरण हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। तो मेरा दिमाग क्या कन्फ्यूज हो जाता कई बार कि शहर कौन सा है, मैं कहाँ हूँ, तो मुझे सोचना पड़ता 2-3 सेकंड कि मैं कहाँ हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि स्मार्ट सिटीज़ के नाम पे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना उसमें सिटी जो होती है, जो सिटी 25-30% होती है, 50% होती है लेट से, उसके आसपास गांव होते हैं, खाली ज़मीन होती है, वहाँ से लोगों को कॉन्सनट्रेट कर करके शहर में लेकर आ रहे हैं और शहरी तरीके से उसको इंस्पायर कर रहे हैं, उसको एक लाइफ स्टाइल, एक स्टेटस सिंबल बना रहे हैं, और ज़मीनें खाली हो रही हैं, कोई खेती नहीं करना चाह रहा। उन ज़मीनों पर रॉसचाइल्ड की जो कंपनी है, जैसे कि मोनसेंटो है, वो आकर उसको कॉन्ट्रैक्ट पर ले रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, जो जिनकी ज़मीन है उनको उसका मुआवजा दिया जा रहा है मंथली, ईयरली, और वहीं गांव के लोग मजदूरी कर रहे हैं। बीज मोनसेंटो अपना लैब का बनाया हुआ बोल रही है कि ये डालना है, उसके बाद ये पैसे डालना है, उसके बाद ये उर्वरक डालना है, और ऐसे खाद लेकर डालनी है, और ऐसा जो उसकी उत्पादकता है, जो फाइनल यील्ड है, उसको ऐसे हमको कंपनी को वापस भेज देना, इतना पैसा ले लेना है, और फिर उसको अपने स्टोर में ले जाकर उसको प्रोसेस करके उसको जो करना वो करेगा, उसको कोल्ड ड्रिंक बनानी है तो बनाएगा, उसका टमाटो सॉस बनाना तो बनाएगा, उसका अंकल चिप्स बनाना तो बनाएगा, ठीक है।
एक ऐसे किसान से मिला था मैं जो शराब वगैरह पीने के लिए आ गया था उस गैंग के अंदर, तो उसको ऐसा बोला गया था उस गैंग में कि चिप्स ले आना, तो शराब ले आया, वो चिप्स नहीं लेके आया। हमने पूछा तो चिप्स क्यों नहीं लेकर आया, तो बोला कि यार ये जो आलू जिस अंकल चिप्स के अंदर या जिस भी चिप्स के अंदर जो आलू डलता है ना, ये मुझे, मैं खेत में उगाता हूँ ये आलू, मैं खेत में आलू उगाता हूँ, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, मुझे पता है आलू के नाम पर क्या बीज आता है, उसमें क्या डलता है और क्या बन के कंपनी को जाता है और कंपनी उससे क्या चिप्स बनाती है। तो मैं शराब पी लूँगा, पिला दूँगा, लेकिन मैं आलू नहीं खा सकता और आलू की बनी हुई चिप्स आपको नहीं खिला सकता, मेरा कॉन्शियस जवाब नहीं देता, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये भारत के अलग अलग शहरों में घूम के हमें ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। और हमें भी याद आता है कि एक शहर में हम भी थे कभी, सुबह 8 बजे से एकदम से जॉब के लिए भागते थे, तो हमें रियलाइज़ होता है कि जो हम वो भागते थे ना, ये हैदराबाद में भी ये भी यही कर रहा है, वो सूरत में ये भी यही कर रहा है, वो दिल्ली में ये भी यही कर रहा है, और जयपुर में ये भी यही कर रहा है, पुणे में यही कर रहा है। तो जो चीज़ मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट थी और लाइफ और डेथ की सिचुएशन थी, वो ऐसे करोड़ों स्तर पर हो रही है, करोड़ों जगह हो रही है, और बहुत ही छोटे छोटे स्तर पर हो रही है। मतलब वो कितनी कॉमन चीज़ है, कितनी छोटी चीज़ है, जिसको मैंने अपने जीवन का एक बड़ा पहाड़ मान लिया था। तो इस प्रकार से ट्रैवल करते हैं तो, और ट्रैवल में क्या होता है कि जब आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो एक दीवार है ना आपको रोज़ दिखाई देती है, तो आपके आसपास का जो एम्बियंस होता है ना, वो धीरे धीरे आपके फ्रंटल लोब में कॉपी होता रहता है, फ्लैश करता रहता है। तो फ्रंटल लोब में कॉपी होने से दीवार तो रिजिड है, सड़क वही है MG रोड रोज का, आप रोज MG रोड से गुजर रहे हैं 40 साल से, तो MG रोड आपके दिमाग में एक पाथवे बना चुका है। और ऐसी फिक्स जगहों, फिक्स पेड़ों, फिक्स गार्डन से बना हुआ संसार आपके ब्रेन में एक बॉक्स क्रिएट करता है, एक बॉक्सी थिंकिंग क्रिएट करता है, लोकलाइज कॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, नैरो माइंडेडनेस पैदा करता है, नैरो माइंडेडनेस, कूप मंडूकता। और एक बार कूप मंडूकता आपके दिमाग में घर कर गई तो आपकी सोच छोटी हो गई, पॉलिटिक्स के मामले में, खाने पीने के मामले में, शादी ब्याह, प्यार, सेक्स, घूमना फिरना, राजनीति, हर चीज़, खुशी, त्यौहार, हर चीज़ के मामले में, पैसा, पैसा, पैसे के मामले में छोटी सोच। पैसा क्या है, सोच है और क्या है, जिसने जितना बड़ा सोचा उसने किताब लिखी है ना, सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। आपने तो अपनी कॉन्शियसनेस ही लोकलाइज करके उस किताब की तौहीन कर दी जो किताब बोलती है कि सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच। सो द होल पॉइंट वॉज कि जब हम अलग अलग शहरों में जाते हैं तो कैसा हमें महसूस होता है और कैसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। और भी चीज़ें थोड़ी ऑफेंसिव हो जाएंगी बट मैं शॉर्ट में कह देता हूँ, पता नहीं मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्रियन एक आइडेंटिटी है, उस इंसान उसको लेके जीता है, गुजराती एक आइडेंटिटी उसको लेके जीता है। फिर मैं देखता हूँ कि जब आप उस आइडेंटिटी को लेकर जीते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द ट्रूथ, ऐसे तो होता है इंसान। बट आप एक, आपके पास एक बर्ड आई व्यू आ जाता है, आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र में गया था तो उसके लिए महाराष्ट्रियन होना एक द थिंग, इसके लिए गुजराती होना द थिंग। गुजराती होना मतलब वैसा खान पान, वैसा पहनावा, वैसी बातचीत, वैसा लहजा। फिर हरियाणा में यही हिसाब है, यहाँ यही हिसाब है। मुझे लग रहा है, साफ साफ लग रहा है कि लोग अपने अपने लोकलाइज कॉन्शियसनेस के अंदर, अपने अपने चक्कों के अंदर घूमे हुए हैं। अरे यार, ज़िंदगी में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इंसान लूप में फंसा हुआ है, और आप अपने लूप बढ़ाते चले जाओगे तो अबे लूप ज़िंदगी में काटने होते हैं और अपनी ज़िंदगी के अपने लूप कॉन्शियसली बनाने होते हैं। अपना लूप ही तो कॉन्शियसली बनाना। जेफ बेजोस है, उसने क्या बना रखा है, बिल गेट्स ने क्या बना रखा है, नरेंद्र मोदी ने क्या बना रखा है, अरिजीत सिंह ने क्या बना रखा है, सचिन तेंदुलकर ने क्या बना रखा है, शाहरुख खान ने क्या बना रखा है, इन्होंने लूप बना रखे हैं, उस लूप में पब्लिक को फंसा रखा है, फंसा रखा या फिर एंगेज कर रखा है कंस्ट्रक्टिवली, जो से भी बोलो। तो ये ज़िंदगी में मुझे दूसरों के लूप में फंसना चाहिए कि मुझे अपने लूप बनाने चाहिए, कम से कम इतना लूप तो बनाने चाहिए जिससे मेरा हेल्थ, वेल्थ, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस डेवलप होते रहे, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ जुड़ी हुई है ट्रैवल करने से।